नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में स्वागत है। देर हम लोग जैसा कि बात किए थे कल, बहुत सारे टैग के बारे में हमने बहुत आपको कुछ बताया था, तो हम लोग बेसिक टैग का यूज कर लिए थे। आज मैं उसी टैग का इस्तेमाल करते हुए एक मैं सिंपल सा आप लोगों को नोट पैड में HTML की कोडिंग करना सिखाऊंगा, ठीक है डियर। तो आज हम लोग अपनी क्लास में जो हम लोग पिछली क्लास में देखे थे, टैग क्या होता है, टैग का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, बस आज उसी के बारे में हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल करके देखेंगे, ताकि आप लोगों को टैग का प्रयोग समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है डियर। तो डियर चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आया हूँ आज। हम लोग सबसे पहले सारे टैग का यूज इसी एक छोटे से प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे। प्रोग्राम हमारा क्या होगा, प्रोग्राम कैसे हम लोग राइट करेंगे, कहाँ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कैसे सेव करेंगे, कैसे रन करेंगे, आज मैं सारी चीज आपको एकदम स्टार्ट से बताऊंगा। बस आप लोग बने रहिए पूरे वीडियो तक, एकदम लास्ट तक हमारी वीडियो को देखें। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं कि HTML की कोडिंग करना सीख जाएंगे, इसीलिए एकदम बेसिक से हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो डियर हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक होगा राइट ए प्रोग्राम यूजिंग HTML इन नोटपैड। हम लोग नोटपैड में कैसे HTML का प्रोग्राम कैसे राइट करते हैं, आज इसी पर हम लोग बात करेंगे। कैसे बात करेंगे, आइए सबसे पहले हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है इसमें। आज जो पहले दिन है या आज जिनका एकदम नया दिन है या फर्स्ट डे है, कहने का मतलब सबके लिए यहीं से क्लास शुरू होती है जब हम लोग कोडिंग करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है, सबसे पहले हमको स्टेप करना है, यानी हम आपको स्टेप वाइज लेके चलेंगे, ताकि हमारा जितना स्टेप होगा एकदम आप लोगों को तक एकदम बातें क्लियर हो, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं ध्यान से। स्टेप नंबर फर्स्ट होता क्या है, कैसे हम लोग राइट करते हैं कोड को, कैसे प्रोग्राम को हम यहाँ पे राइट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने सिस्टम में ओपन करने के बाद एक ऑप्शन होता है स्टार्ट बटन, सबसे नीचे जो टास्क बार पे दिखता है, हमको कहाँ जाना है, स्टार्ट पर जाना है, ऑल प्रोग्राम पर जाना है, ऐसा सीरीज नाम का एक ऑप्शन होता है, जैसा कि बहुत लोग जानते होंगे, इसके पहले ड्राइंग वगैरह ओपन किए होंगे या वर्ड पैड वगैरह भी ओपन किए होंगे। तो बस वही सेम स्टेप होता है, स्टार्ट पे जाके, ऑल प्रोग्राम पे जाके, ऐसा सीरीज पे जाके, और वहां पे आपको पता है डियर नोटपैड डायरेक्ट मिल जाता है, ठीक है। ये तो पहला तरीका हो गया नोटपैड का ओपन करने का, ठीक है। इसी तरीके से मैं अभी ओपन करने के लिए आपको मैं दो तीन तरीके बताऊंगा, ताकि नोटपैड जो भी आपको आसान लगे वही मेथड आप लोग अप्लाई करिएगा, ताकि दिक्कत ना हो। एक ही तरीके से ही ओपन करना है, हम दो तीन तरीके से ओपन करेंगे, आज आप लोग यही सीखेंगे ध्यान से। तो डियर इसी तरीके से हम स्टार्ट पे जाएंगे, आज प्रोग्राम पे जाएंगे, ऐसे सीरीज में जाएंगे, नोटपैड वहां से सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर लेंगे। ये तो एकदम आसान तरीका पहला तरीका था। सपोज दैट डियर मान लीजिए आप वहां नहीं जाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या होता है, स्टार्ट पर जाते हैं, जैसे क्लिक करते हैं डायरेक्ट आप देखेंगे प्रोग्राम फाइल में आपका एक ऑप्शन दिखता है, नोटपैड, वर्ड पैड, ये सारा चीज वहां पे दिखने लगता है। तो हमको नोटपैड ओपन करना है, तो नोटपैड को क्या करना है, ओपन कर लेंगे सेलेक्ट कर, यानी क्लिक करके माउस से नोटपैड को ओपन कर लेंगे, ओके। चलिए ये दो तरीका आपने जान लिया, मतलब स्टार्ट के माध्यम से डायरेक्ट नोटपैड पे जाके वहां से ओपन कर लेंगे। अगर डियर मान लीजिए आप लोगों को मान लीजिए माउस का यूज नहीं करना है, आपको वहां पे नहीं जाना है, तो हमारे पास हमेशा शॉर्टकट की भी होता है, हमेशा दोस्तों क्या होता है, शॉर्टकट कीज भी होता है। हम शॉर्टकट की आज अभी तुरंत बताने वाले हैं, कैसे नोटपैड तक हम लोग पहुंचेंगे शॉर्टकट के माध्यम से। तो इसमें कुछ नहीं करना है डियर, शॉर्टकट के माध्यम से आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले आपको हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से एक बटन होती है, एक की होती है, जिसका नाम होता है विंडो की, जिसका क्या नाम होता है, विंडो की नाम होता है, विंडो के साथ आर, यानी विंडो प्लस आर, विंडो के साथ आपको आर को भी, दोनों आपको की को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। मतलब विंडो के साथ आर को जैसे हम प्रेस करेंगे, वैसे आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है, जिसका डियर एक नाम होता है, उस नाम को हम लोग क्या कहते हैं, रन कमांड कहते हैं, क्या कहते हैं, रन कमांड कहते हैं। मतलब विंडो प्लस आर को जैसे हम लोग क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, वैसे हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले पर एक छोटा सा रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसका नाम होता है रन कमांड, क्या नाम होता है डियर, रन कमांड डायलॉग बॉक्स होता है। रन कमांड को हमने वहां से जैसे ओपन किया, अब रन कमांड में क्या करना है, रन कमांड में हमको क्या टाइप करना है, ध्यान से हमारी बात को सुन लो।
रन कमांड में आपको सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड से नोट पैड टाइप करना है। क्या टाइप करना है? नोट पैड टाइप करना है। नोट पैड जैसे आप टाइप करके एंटर बटन को आप प्रेस करोगे, डायरेक्ट आप नोट पैड को ओपन कर लोगे। ये हमारा शॉर्टकट तरीका था, मतलब बिना माउस को छुए हुए आप किसी भी चीज को डायरेक्ट आप ओपन करते हो, उसको ओपन करने का तरीका होता है शॉर्टकट माध्यम से विंडो के साथ आर। आर का मतलब रन कमांड, और रन कमांड में हमको जो चीज ओपन करना होता है उसका एकदम सही सही पाथ नेम देना बहुत जरूरी होता है। जैसे नोट पैड है तो वहां पे हमको क्या राइट करना है? नोट पैड राइट करना है, और नोट पैड के बीच में स्पेस नहीं देना है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, नोट अलग देते हैं लिखते हैं, पैड अलग लिखते हैं, तो अलग अलग कर दोगे तो आपका एक्सटेंशन क्या होगा, पाथ नेम गलत हो जाएगा, यानी उस नाम का वहां पे कुछ नहीं है, इसलिए आपका नोट पैड ओपन नहीं होगा। ध्यान रखना है नोट पैड को एक साथ टाइप कर देना है, और तुरंत आप क्या करेंगे, उसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, चलो आज मैंने आपको तीन तरीके से नोट पैड को ओपन करना सिखाया है डियर, तीन तरीके से मैंने आपको नोट पैड करना सिखाया है। ठीक है, इस तरीके से हमने ओपन करना सीख लिया। जब ओपन हो जाता है, यानी जब हम लोग नोट पैड को ओपन कर लेते हैं, फिर हमारा सेकेंड स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप हमारा यहाँ पे आता है डियर, देखिए राइट एचटीएमएल कोडिंग। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एचटीएमएल के कोड को राइट करना है कहां पर, नोट पैड पर। ठीक है, तो बस वही आपको मैं काम करना सिखाऊंगा। बस जैसे आपका ये पेज ऐसे आपके सामने ओपन होके आएगा, यही पे आप लोग शुरुआत कर दीजिएगा। और शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे, मैं आपको बेसिक यानी पिछली क्लास में सब कुछ बता दिया हूं कि हमारा एचटीएमएल टैग क्या होता है, हमारा हेड टैग क्या होता है, हमारा टाइटल टैग क्या होता है, ये सारा चीज मैंने आपको, H1 टैग क्या होता है, P1 टैग क्या होता है, ये सब चीज मैंने आपको बेसिकली बताया भी था। बस उसी टैग का इस्तेमाल करते हुए हमको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। तो आइए डियर बात करते हैं, सबसे पहले अपने नोटपैड में हम सबसे टॉप में पहला टैग इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम हमने क्या बताया है, HTML टैग। क्या हमने यहाँ पे डिफाइन किया, HTML टैग को हमने डिफाइन कर लिया, और जस्ट इसके नीचे आपका आता है फिर हेड टैग। हेड को हमने बताया था, इसको आपने डिफाइन कर लिया। हेड को डिफाइन करने के बाद फिर डियर मैंने आपको बताया था एक टैग का नाम टाइटल टैग। टाइटल टैग हमने डिफाइन किया, टाइटल में जो कुछ हमको देना है, यानी हमारे वेब पेज में हमको टाइटल में वो दिखे, हमने यहाँ पे दे दिया एक छोटा सा नाम दे दिया यूनिक। जैसा कि आपने पूरा नाम सुना होगा यूनिक ऑनलाइन, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा वर्ड लिखा हूं मात्र यूनिक, तो हमने टाइटल में क्या दे दिया यूनिक, और हम वहीं पे टाइटल को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। क्योंकि मैंने बताया था कोई भी टैग हमेशा पेयर में यूज होता है, तो हमारा फर्स्ट पेयर यही था, और सेकंड पेयर को भी उसी तरीके से लिखेंगे। लेकिन मैंने बताया था कि सेकंड पेयर में जब कोड को लिखेंगे तो वहां पे हमेशा हमको याद रखना है कि आपका सिंगल स्लैश आपको जरूर लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज करने के लिए यहाँ पे किसी भी टैग का यूज करते हैं। मतलब ओपन आपका टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यानी स्टार्ट टैग हमने टाइटल रखा, और उसी तरीके से आपका जो क्लोज टैग हुआ हम यहाँ पे बस यहाँ पे रखे हैं, लेकिन उसको बंद करने के लिए हमेशा स्लैश सिंबल का यूज आपको करना पड़ेगा। चलिए इतना आपने समझ लिया। फिर मैंने क्या किया, हेड को हमको अगर जो भी डिफाइन करना था हमने दिया, नहीं करना था तो हमने हेड को क्या कर दिया, अपने उसके दूसरे पेयर को यहीं पे हमने क्या किया, क्लोज कर दिया भाई, बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने एक बार टैग का इस्तेमाल किया है तो बिना उसको क्लोज किए आप आगे नहीं जाओगे, अदरवाइज पे हेड का कोई महत्व नहीं होगा। इसी तरीके से जब आपने इतना टैग इस्तेमाल कर लिया, अब हमको इम्पोर्टेंट टैग रखना है, जैसा कि मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि बॉडी टैग का यूज क्या होता है। बॉडी टैग का यूज मैंने यही बताया था, अब आपके अंदर जितनी भी बातें हैं वो सारी बातों को कह दीजिए। कहने के लिए हमने यहाँ पे ओपन क्या कर लिया डियर, बॉडी टैग ओपन कर लिया, और बॉडी में सबसे पहले एक छोटा सा मैंने हेडिंग दे दिया। हेडिंग हमारा क्या है, आज मैं पहले दिन आप लोगों से मिला हूँ, या पहले दिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ एक छोटा सा कोड, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी दे दिया हेडिंग में, जैसे दे दिया वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ भी राइट कर दिया, आप लोग अपना नाम भी लिख सकते हो, आप लोग किसी और का नाम लिख सकते हो, या कुछ भी लिख सकते हो, कहने का मतलब हेडिंग आपकी वही होनी चाहिए। यहाँ पे हमने हेडिंग को डिफाइन कर लिया, हमने यही पे अपना यहाँ पे H1 टैग यहीं पे हमने डिफाइन कर लिया। ठीक का मतलब यहाँ आपकी हेडिंग जब क्लोज हो जाती है, यानी हेडिंग आपका कंप्लीट हो जाता है, तो वही काम करना है
H1 टैग को फिर से हमको उसी लाइन में क्या करना है या दूसरी लाइन में बंद कर देना है। नहीं बंद करोगे तो आपकी हेडिंग आपके पेज में नहीं दिखेगी, इसीलिए आपने इसको क्या किया, क्लोज कर दिया। तो डियर इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको इतना करने के बाद और कुछ यहाँ पे अगर जोड़ना था, पैराग्राफ जोड़ना था तो P1 टैग लगा देना, नहीं जोड़ना है तो P1 टैग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसीलिए मैंने क्या किया, बॉडी यहीं पे ओपन था और मैंने लास्ट में देखिए बॉडी को क्या किया, क्लोज कर दिया। भाई क्या किया डियर, बॉडी को मैंने क्लोज कर दिया। और बॉडी जैसे आपकी क्लोज होती है उसी तरीके से ध्यान रखना आपका, यानी बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा बंद हो गया। अब हमको बॉडी में कोई भी कंटेंट नहीं रखना है। अब हमको फाइनली ध्यान देना है कि एचटीएमएल हमारा पहला तो ओपन हो गया था लेकिन मैंने अभी इसको कहीं क्लोज नहीं किया है, इसीलिए लास्ट में हमने एचटीएमएल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फाइनली हमारा एचटीएमएल क्या हो गया, यहाँ पे डियर बंद हो गया, यानी हमारी कोडिंग क्या हो गई, पूरा का पूरा एकदम सही सही मैंने क्या किया, पूरी कोडिंग को फाइनली राइट कर लिया अपने नोटपैड के पेज में। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा नोटपैड का कोडिंग था, जैसे कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया समझाया और आपका पूरा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, जब आपने कंप्लीट कर लिया तो खाली नोटपैड में कोडिंग कंप्लीट करने से तो आपको कुछ मिलेगा नहीं आउटपुट। अब भाई आपको करना क्या है दोस्तों, जब कोडिंग पूरी कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना है, अब अपने इस कोड को क्या करोगे, सेव करोगे। भाई क्या करोगे, सेव करोगे, और सेव कहां करोगे, कैसे करोगे, मैं आपको उसी के लिए एक स्टेप बताने वाला हूं जिसका तीसरा स्टेप नाम है, अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट फाइल मेनू। यानी नोटपैड में आप देखेंगे तो वहां पे मेनू बार दिखता है, मेनू बार में पहला ऑप्शन आपको फाइल मेनू दिखाई देता है, आप कहां जाएंगे, कहां सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट क्या करेंगे, फाइल मेनू को सेलेक्ट करके और क्या करेंगे, चूज ऑप्शन, यानी क्या ऑप्शन चूज करेंगे, सेव या सेव एज, वहां पे दो ऑप्शन दिखेगा तो चाहे सेव में चले जाना चाहे सेव एज ऑप्शन में चले जाना, वहां पे जाके उस ऑप्शन को ओपन कर लेना। मतलब हम यहाँ पे गए और सेव एज ऑप्शन को ओपन कर लिया। सेव एज ऑप्शन जैसे आपका ओपन हुआ, चौथा स्टेप आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको नेम द फाइल, वहां पे एक छोटा सा ऑप्शन नीचे दिखेगा जहां लिखा रहता है फाइल का नेम, आप टाइप करिए। फाइल का नेम आप जब टाइप करने का ऑप्शन दिखेगा तो उसी फाइल के आप फाइल के नेम ऑप्शन के आगे देखेंगे एक छोटा सा बॉक्स अपीयर होता है, यानी बना रहता है, उसी बॉक्स के अंदर जिस नाम से फाइल को सेव करना चाहते हैं वहां पे अपना नाम दीजिएगा। और ध्यान रहे डियर, मैंने आपको बताया था कि एचटीएमएल की फाइल को नॉर्मल नहीं सेव करना है, उसके लिए हमको एक्सटेंशन नेम लगाना बहुत जरूरी है। तो हमने अपना नाम दिया, सपोज दैट फाइल का नाम था रवि, तो हमने रवि नाम लिख दिया क्योंकि यहाँ पे लिखा है नेम द फाइल, फाइल का नेम बताओ रवि, और रवि फाइल अगर आप डायरेक्ट ऐसे सेव कर दोगे तो हमारी फाइल नोटपैड में सेव हो जाएगी, मतलब हमारा पूरा कंटेंट टेक्स्ट फाइल हो जाएगी। अगर हमको इसको एचटीएमएल फॉर्मेट में सेव करना है तो रवि के बाद हमने बताया था एक छोटा सा एक्सटेंशन नेम है, हमेशा याद कर लो, प्रत्येक कोडिंग में प्रत्येक प्रोग्राम में ये चीज लगाना नहीं भूलेंगे, हम यहाँ पे .html लगा दिए। मतलब किसी भी फाइल का नाम दिए, फाइल का नाम देने के बाद तुरंत हमने .html यहाँ पे टाइप कर दिया और तुरंत मैं क्या किया, इंटर बटन को प्रेस कर दिया या सेव ऑप्शन का एक ऑप्शन दिखता है वहीं पे, उसी पर मैंने क्या किया, माउस से क्लिक कर दिया। इतना करने के बाद तुरंत आपका क्या हुआ डियर, ऐप आपकी पूरी फाइल क्या हो गई, सेव हो गई। अब आपकी फाइल सेव हो गई, अब फाइल जब सेव हो जाती है अब आपको ये पता करना है कि हमारी फाइल कहां सेव हुई है, कैसे सेव हुई है, हमको आउटपुट चाहिए तो कुछ नहीं करना है डियर। स्टेप नंबर 4 आपका करने के बाद स्टेप नंबर 5 आता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब क्या करते हैं डियर, अपने फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जैसे उसको ओपन करते हैं हमारी फाइल आपके वेब ब्राउजर फॉर्मेट में तुरंत आपका ओपन हो जाती है और आप जो आप मैटर टाइप किए रहते हैं, कोड किए रहते हैं, वही पूरा कोड आपके वेब पेज के रूप में वो दिख जाता है। मतलब टाइटल पर आपको सबसे ऊपर दिखेगा यूनिक और बीच में आपने जो दिया है, ठीक है, आपने बॉडी के अंदर जो बीच में दिया है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आपकी हेडिंग जो होगी पूरे पेज के बीचों बीच में वहां लिखा रहेगा वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु, ठीक है, वो लिखा रहेगा और नीचे डियर लिखा रहेगा आपका जी, ठीक है, यहाँ पे और जो आपने कंटेंट दिया वो भी कंटेंट दिखा, यानी जो पैराग्राफ आप डिफाइन करोगे, नहीं करोगे तो पेज में आपको सिर्फ और सिर्फ यही वेलकम टू ऑनलाइन, ठीक है, चैनल या वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु आपका दिख जाएगा। ठीक है, यही आपका आउटपुट था, एक छोटा सा प्रोग्राम। तो आज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया,
बहुत अच्छा टॉपिक बताया, शायद आप लोग इसको समझ गए होंगे और इसको आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। बहुत छोटा सा एग्जांपल था, आज हम लोग एक राइट कर लिए कोडिंग को। इसी तरीके से बड़े प्रोग्राम को भी हम लोग बनाएंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आज मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा बिल्कुल आप लोग हमसे पूछ सकते हो, आज मैंने आपको पूरा काम बताया, ठीक है। चलो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।